हाय गाइस, और कैसे हो आप सब लोग? और गाइस, बहुत सारे लोग आईफोन 14 सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है कि आईफोन 14 सीरीज के स्पेशली प्रो मॉडल जो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है अमेजिंग देखने को मिलने वाले हैं। वही अगर हम बात करें इनके नॉन प्रो मॉडल्स की, तो वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं रहने वाले इस साल, क्योंकि एप्पल जो उनके अंदर ज़्यादा कुछ जो इनोवेशन नहीं डालने वाला। एंड एक तो नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर हमें जो फीचर्स होंगे वो इतने ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे हमें जो प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं नॉन प्रो मॉडल्स की इस साल जो है सेल इतनी ज़्यादा जो है हाई नहीं रहने वाली, वो क्यों मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो बिना कोई देर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को बने हो, सो मेरा नाम है सूरज, एंड उसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाई जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो बिना कोई देर लेट्स गेट टू वीडियो। सो इस साल आईफोन 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स जो होने वाले हैं वो डेफिनेटली जो है वर्थ बाइंग होने वाले हैं, क्योंकि प्रो मॉडल्स के अंदर हमें जो फीचर्स वो काफी अच्छे देखने को मिल जाने वाले हैं। जैसे कि प्रो मॉडल्स के अंदर फ्रंट में हमें जो नॉच वो हमें रिमूव देखने को मिलेगी, पेशर नॉच है वो हमें देखने को मिलेगी प्रो मॉडल्स के अंदर। उसी के साथ प्रो मॉडल्स का जो हमें मेन सेंसर होगा वो आपकी बारी हमें जो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। उसी के साथ प्रो मॉडल्स के अंदर हमें जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसी के साथ इनके अंदर हमें जो A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। उसी के साथ इनके अंदर हमें जो लिक्विड टेक्नोलॉजी है वो हमें देखने को मिलेगी। सो लिक्विड चैम्बर टेक्नोलॉजी है वो हमें पहली बार जो है प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे जो है हमारे फोन जो है वो ज्यादा हीटअप नहीं होंगे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईफोन्स काफी ज्यादा जो है हीटअप हो जाते हैं, तो उनको कूल डाउन रखने के लिए लिक्विड चैम्बर टेक्नोलॉजी है ये हमें जो है प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें नॉन प्रो मॉडल्स की, तो नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर हमें ऐसे कोई खास फीचर जो है नहीं देखने को मिलेंगे जिसके करके वो फोन जो है वर्थ बाइंग होंगे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईफोन 14 इस साल हमें जो है आईफोन 13 जैसे ही देखने को मिलेगा डिजाइन वाइज, उसी के साथ बहुत सारे फीचर्स जो है हमें आईफोन 13 जैसे सिमिलर देखने को मिलेंगे आईफोन 14 के अंदर। सो जैसे कि आईफोन 13 का जो डिजाइन है वैसे ही डिजाइन हम लोगों को आईफोन 14 के अंदर देखने को मिलेगा नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर। बैक में जो है डिजाइन जो है हमें कैमरा का वो भी हमें जो एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो नॉच होगा वो भी हमें आईफोन 13 जैसे देखने को मिलेगा आईफोन 14 के अंदर। उसी के साथ आईफोन 14 के अंदर हमें जो है A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये सेम चिप जो हमें आईफोन 13 के अंदर जो है देखने को मिल जाती है। सो प्रोसेसर जो हमें आईफोन 14 के अंदर वो हमें सेम देखने को मिलेगा आईफोन 13 जैसा ही। उसी के साथ अगर हम बात करेंगे कैमरास की, सो कैमरा में भी हमें जो है कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस जो है नहीं देखने को मिलने वाला आईफोन 14 के अंदर एंड 14 मैक्स के अंदर। फ्रंट में जो हमें थोड़ा बहुत जो है कैमरा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आईफोन 14 एंड 14 मैक्स के अंदर। उसी के साथ अगर हम बात करें कि बैटरी की, तो बैटरी में भी जो हमें ज्यादा कोई मेजर जो है डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला, हल्की समय जो इंप्रूव बैटरी देखने को मिलेगी आईफोन 13 से। एंड वहीं बात करें अगर प्राइसिंग की, तो आईफोन 14 की जो प्राइसिंग हमें इंडिया के अंदर वो अराउंड 90,000 की देखने को मिलेगी इसके बेस वेरियंट की, 128 GB वेरियंट की। एंड वही अगर हम बात करें 14 मैक्स की, तो इसकी जो है हमें प्राइसिंग वो हमें देखने को मिलेगी अराउंड 1 lakh rupees की। सो आईफोन 14 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल जो होने वाले हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं इंडिया के अंदर। एंड गाइस, ये वर्थ इट भी नहीं होता कि 90,000 टू 1 lakh rupees हम स्पेंड करें ऐसे मॉडल के ऊपर जिसके अंदर जो हमें फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिले लास्ट ईयर के आईफोन जैसे, क्योंकि गाइस आप लोगों को बहुत सारे फीचर जो आईफोन 13 जैसे ही देखने को मिलेगा आईफोन 14 के अंदर। एंड गाइस, कोई सेंस नहीं बनती कि आप लोग जो इतने पैसे जो आईफोन 14 के ऊपर लगाइए, उसके बजाय मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं या तो आप लोग जो आईफोन 13 प्रो को परचेज कर लीजिए, या फिर उसके बजाय आप लोग जो आईफोन 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि वो लेना ज्यादा वर्थ इट होगा। क्योंकि आईफोन 14 एंड 14 मैक्स जो है लेना मेरे हिसाब से जो है वर्थ इट नहीं होगा, या फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है बिग बिलियन डे सेल का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि तब आप लोगों को आईफोन 13 की जो है काफी अच्छी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि तब आप लोग जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए ओवर आईफोन 14, क्योंकि आईफोन 14 एंड आईफोन 13 के बीच में जो हमें ज्यादा कुछ जो है डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला प्रो मॉडल्स के अंदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल होगी, हेल्पफुल होगी तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे लाइक करना है, एंड उसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल को बने हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाई जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। सो गाइस, मिलता हूं मैं आप सब लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।